दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आसरादा का, तो जो भी सवाल करते हैं वन वीक में उसका देता हूं जवाब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आएगा वीडियो देने में और बनाने में। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरशाद भाई का सवाल है, रियलमी GT60 वीवो का T3 अल्ट्रा में से कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए अगर आप बेस्ट कैमरा चाहते हैं तो भैया वीवो का T3 अल्ट्रा ले लीजिए, अगर आप बेस्ट गेमिंग चाहते हैं तो रियलमी का GT60 ले लीजिए या फिर रियलमी GT6 ले लीजिए, दोनों में से बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिशियल बेस्ट स्टेटस का सवाल है, सर ऑल ऐप में 120 हर्ट्ज कैसे करें रियलमी का एंड्रॉयड 13 पर? देखिए एंड्रॉयड 13 पे करना है तो इस पर एक डिटेल वीडियो हम दिए हुए हैं, सेट एडिट में जाकर आप कर सकते हैं, तो वैसे अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक ऐप डाउनलोड करना होगा। अगला क्वेश्चन जो है आशीष जी का, इनका सवाल है, रियलमी 12 प्रो प्लस में अपडेट क्यों नहीं दे रहा है? कस्टमर को कैमरा का नाम पर रियलमी लूट रहा है। बात सही है भाई, मतलब कैसे बोले कि फ़ोन इतना ज़्यादा कचड़ा हो गया अभी कि फ़ोन को बाहर निकालना भी एम्बेरेसिंग मोमेंट लगता है, ऐसा कुछ लगता है मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज़र LU6 का सवाल है, आजकल फ़ोन में तो मैक्रो SD कार्ड स्लॉट आता ही नहीं। देखिए मैक्रो SD कार्ड जो 20,000 के अंदर जितने ही फ़ोन है उसमें आते हैं, फ्लैगशिप में इतना ज़्यादा स्टोरेज देता है और स्पीड कम नहीं हो इस वजह से मैक्रो SD कार्ड नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन RM टेक्निक का इनका सवाल है, अगर रियलमी कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट दे के यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है तो रियलमी का फ़ोन लेना सही रहेगा? 100% मत लीजिए भाई, रेडमी भी था लेकिन इतना ज़्यादा घटिया काम नहीं करता है रेडमी, रियलमी तो कुछ ज़्यादा उतर गया घटियापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MD अजहर का सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस में अपडेट कब आएगा? 15-16 के बाद, सितंबर के बाद अपडेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अरशद जी का, इनका सवाल है, वीवो T3 अल्ट्रा में AI फीचर्स है या नहीं? AI फीचर्स है लेकिन कैमरे में बहुत ही कम AI फीचर्स देखने को मिल रहा है, और वैसे भी ह्यूमन शॉट लेंगे तो AI का यूज़ मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिशियल बेस्ट स्टेटस का सवाल है, सर एंड्रॉयड 13 में ऑल ऐप में 120 हर्ट्ज कैसे करें? लव यू सर, लव यू टू ब्रो, और 120 हर्ट्ज करना है एंड्रॉयड 13 में तो सेट एडिट में जाकर कर सकते हैं, इस पर एक हम डिटेल वीडियो किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोहम्मद अबू साद का, इनका सवाल है, भाई मेरा रियलमी 12 प्रो प्लस है, इसका कैमरा सही पिक नहीं ले रहा है, अपडेट अनइंस्टॉल कर चुका हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट अपडेट तक रुक जाइए आपके लिए बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा डेटा को क्लियर कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट अपडेट जब तक नहीं आएगा ये फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश जी का सवाल है, सर आईफोन में कितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है? 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है आईफोन में। साहब सिंह का सवाल है, ब्रो टाइम टैग नहीं आ रहा है। देखिए कभी कभी यूट्यूब में ग्लिच चलता है, जैसे कल का टेक न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर हम डाले हैं लेकिन वो बार बार शो नहीं कर रहा, हम डाल रहे फिर शो नहीं कर रहा, तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा, पता नहीं ये मेरे चैनल पर प्रॉब्लम है या सब में ऐसा हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देवनेश देव का सवाल है, भाई VONR कॉल 5G रियलमी फ़ोन में कब शो करेगा? रियलमी UI 6.0 जब आएगा उसके बाद ही शो करेगा। मुलायम सिंह का सवाल है, हमने तो आज तक रियलमी 12 प्रो प्लस में अपडेट भी नहीं किया है फिर भी कैमरा डाउनग्रेड लगता है। देखिए कैमरा ऐप जो है वो अलग से मतलब अपडेट होता है, तो अपडेट होके ख़राब हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है अभी फ़ोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जल जी का, इनका सवाल है, क्या रियलमी P1 5G पे ओपन क्लोज एनिमेशन आएगा रियलमी UI 6.0 एंड्रॉयड 15 के साथ? 100% आएगा भाई, उसके लिए हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। विवेक जी का सवाल है, एक और प्रॉब्लम, एयरप्लेन मोड लगा रहा हो तो उसके बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखिए अगर ऐसा कभी भी हो रहा है तो सेटिंग में जाइए, उसके बाद नेटवर्क में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा रीसेट नेटवर्क, उसको कर दीजिए, फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय जी का, इनका सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस अल्ट्रा बूम साउंड कैसे इनेबल करें? MX प्लेयर डाउनलोड करिए, उसमें आपको 200 तक का मिलेगा, और वैसे किसी ऐप में ये 200 वाला काम कर रहा है, और अभी इसको Realme पता नहीं शायद निकाल दिया है, मुझे 200 तक अभी तक साउंड नहीं गया, तो इस तरह का कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शैलेश जी का, इनका सवाल है, भाई Realme 12 Pro Plus में HDR कब आएगा? ये बात वैसी है जैसे कि एक मिस्ट्री है, Realme UI 6.0 जब आएगा तो मे भी आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साकिब जी का सवाल है, न्यू वर्जन को कैसे अनइंस्टॉल करूं, बहुत दिक्कत हो रही है, ये फ़ोन वाकई में बहुत कचड़ा हो चुका है, सबको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दिन भर में दो चार बार इसको मतलब रिस्टार्ट करता हूं, और न्यू वर्जन को कैसे अनइंस्टॉल करें, तो देखिए फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए आपका हो जाएगा, या फिर फॉर्मेट नहीं करना चाहते तो ऐप सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, मैनेज ऐप में जाइए, अनइंस्टॉल से लॉन्चर लिखे उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का है, भाई मेरा रियलमी 10 प्रो प्लस में सेटिंग अपडेट कर दी, कुछ भी उसे नहीं कर रहा हूँ, फिर भी सिस्टम लॉन्चर अपडेट कर दिया है, भाई होम स्क्रीन पे नहीं जा पा रहा हूँ। देखिए अगर ऐसा कभी हो रहा है तो फ़ोन को आप वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एक साथ दाब के रखिए, रिकवरी मोड आएगा, उसमें बस वॉल्यूम बटन से घसका कर रिकवरी मोड में जाकर उसको फॉर्मेट कर दीजिए, या फिर फैक्ट्री रिसेट करिए, आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोनोमा जीगन का सवाल है, रियलमी 12 प्रो प्लस खरीदने में के लिए अब कितना पैसा देना होगा, मत खरीदो भाई बेकार फ़ोन है, और देना खरीदना चाहते हैं तो डील्स में आपको 25,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साहिन जी का है, साहिन कोरेशन का सवाल है, पोर्ट्रेट मोड में 2x नहीं 3x डायरेक्ट आता है, पिक लेने में कैसे करें, देखिए हेल्प मी प्लीज़, अगर आपको करना है तो जी कैम को इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप जितना चाहे जूम कर सकते हैं पोर्ट्रेट में, तो इस तरह का कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शशु पिक पिट बॉय का, इनका सवाल है डू यू नो फिंगरप्रिंट कॉस्ट, देखिए रेडमी नोट 10 प्रो का फिंगरप्रिंट का कॉस्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगभग 1800 रुपये लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनोनोमस का है, इनका सवाल है भाई प्लीज़ यार रियलमी 11 प्रो का कोई भी एंड्रॉयड में 120 हर्ट्ज़ से कैसे चलाए, एक APK दिया हुआ है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसको आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज़ वाला, जिस पर आप कमेंट किए उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में आइए वहाँ पर मतलब आपको वो सॉफ्टवेयर जो है उसका APK फाइल मिल जाएगा, इंस्टॉल करिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, आपका 120 हर्ट्ज़ पे चलने लगेगा, सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, वहाँ नीचे रिफ्रेश रेट में और एस्पेक्ट रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उज्जवल जी का, इनका सवाल है ब्रो अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, देखिए 120 हर्ट्ज़ वाला को अनइंस्टॉल करना बहुत इजी है, सेटिंग ऐप को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ऐप इन्फो में जाइए वहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, ऊपर टी डॉट में जाके आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरटेनमेंट का, इनका सवाल है रियलमी 12 प्रो प्लस में वर्क करेगा, हाँ भाई जी कैम रियलमी 12 प्रो प्लस में वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मलिक जी का, इनका सवाल है भाई सब कुछ करके 4 आवर स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है, सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, बैटरी लिखिए, मैनेज ऐप में जाकर बैटरी लिखिए, और जो आएगा उसको अनइंस्टॉल अपडेट करिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूज़र HH8 का, इनका सवाल है मोटरोला H15 न्यू इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, मोटरोला H15 न्यू इंडिया में 100% लॉन्च होने वाला है, और ये जो आएगा डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर के क्रिएट टेक का, इनका सवाल है मेरा भी बैटरी बैकअप बहुत कम मिल रहा है, तो वही करना है आपको, बैटरी को अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, फिक्स हो जाएगा। नॉब गेमिंग का सवाल है रजा भाई रियलमी 12 प्रो प्लस का कोई अपडेट तो दो बड़े भाई, देखिए अपडेट तो हम दे सकते हैं लेकिन बात वही है कि 15-16 के बाद अपडेट मिलेगा, तो इसी तरह का कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सच अर्थिंग का सवाल है आपका ग्रोथ क्यों नहीं होता है, भाई पता नहीं यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है, कभी मेरा स्टेटस नहीं दिखाता है, कभी मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाता, और कभी मेरा ग्रोथ तो एक ज़माना से नहीं दिखा रहा, लेकिन आप लोग करा सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे। तो टेक यहीं पर Q&A ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।